सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे डाटा शिफ्ट कर सकते हैं या कैसे डाटा प्रिंट कर सकते हैं, एक पेज से डाटा दूसरे पेज पे कैसे भेज सकते हैं और इसके लाइव एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले लाइव एग्जांपल सुनते हैं क्या है। लाइव एग्जाम्पल है जैसे कि आप कोई फ्लाइट बुक करते हो, है ना, आप उसे मल्टीपल फ्लाइट देखते हो, कोई भी ट्रेन बुक करते हो मल्टीपल ट्रेन देखते हो। जब भी आप उसमें सेलेक्ट क्लिक करते हो ना, तो आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट करता है। यहाँ पर आपको अपनी एंट्री फिल करनी पड़ती है या पेमेंट करनी पड़ती है या उस सीट को बुक करना पड़ता है, फ्लाइट को बुक करना पड़ता है ना। तो वो कैसे होता है कि एक पेज से दूसरे पे डाटा जाता कैसे? अब वो ऐसा तो होता नहीं है कि आप सोचो कि पहले मैं इस पेज पे जो भी यूजर ने फिल किया है उसको डाटाबेस में डाल देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा वहां से उसको डाटाबेस से कॉल करा लूंगा। नहीं 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 ऐसे करोगे तो क्या नाम है, सर्वर पर लोड बढ़ेगा, है ना, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो वो तो कोई सेंसेबल चीज है। अब इसको कैसे करते हैं Vue.js में वो देखते हैं, है ना। करने के लिए देखो, कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने लिस्ट एंटर करा दी थी। अब इसी चीज पे हम इंप्लीमेंट कर देंगे कि हर जो नेम दिया ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल विधान है, जोन है, सोफिया है, इनके आगे मैं एक बटन दे देता हूँ ना, उस बटन का नाम रख देता हूँ ट्रांसफर। ठीक है बस, देखो सबके आगे मेरे बटन का नाम आ गया ट्रांसफर। ठीक, अब ये देखो आ तो नीचे रहा है, तो इसको सामने करने के लिए मैं अपने जो वहां मैंने लूप वाला टैग है ना, मैंने उसमें क्लास दे दी, क्लास दे दी मैंने फ्लेक्स और फ्लेक्स रो। ठीक है, जिससे मेरे एक रो में आने के बाद मैंने नेम के आगे लिख दिया एक हाइफन, ठीक है, जिससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे कि भाई कौन सा बटन किसका है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, रूटर लिंक हमने पिछली कुछ वीडियोस में यूज किया होगा जहां पे राउट्स वगैरह सेट किए थे हमने, हम सिमिलरली उस रूटर लिंक को ना, मतलब बटन को इस रूटर लिंक के अंदर रैप किया। रैप करने के बाद हम, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं अगर कोड नहीं दिख रहा है ना, साइड से बंद कर देता हूँ जिससे दिखे। मैं रूटर लिंक के अंदर, हम हर बार टू यूज करते हैं ना, टू, ठीक है, तो मैंने किया यहाँ पर टू यूज, ठीक है, इक्वल टू, अब मैं इस टू में दो पैरामीटर पास कराऊंगा। ठीक है, पहला तो होगा मेरा पाथ, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नेम किया, तो सबसे मैं पास कराऊंगा पहले पाथ। ठीक है, बस सबसे मैंने मैंने यहाँ पे लिख दिया पाथ कॉलन सिंगल कोट, क्योंकि तो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट लिखोगे, अगर डबल कोट के अंदर डबल कोट लिख दोगे तो वो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है ना, स्लैश कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब मैंने इसमें एक चीज डाल दी है, थोड़ा इसको खुले से दिखे तो एक बार नीचे ले आता हूँ ना। अब देखो, अब मैंने इसमें पार्ट डाल दिया है, तो मैं किसी भी ट्रांसफर बटन पर क्लिक करूँ ना तो मुझे कॉन्टेक्ट पर ही ले जाएगा। मैंने जॉन वाले पे क्लिक किया तो भी कॉन्टेक्ट पे ले गया, विधान वाले पे क्लिक किया वो मुझे कॉन्टेक्ट पे ले गया, है ना। अब इसमें हम एक चीज और पैरामीटर पास करेंगे, वो क्या होगी मेरी क्वेरी। ठीक है, ऑटोमेटिक सजेशन आ गया, सजेशन आता है टैब 9 से, आप भी अपने इंस्टॉल कर सकते हो, एक्सटेंशन है बहुत पॉपुलर। अब मैं यहाँ पे लिखा क्वेरी, अब क्वेरी के अंदर मैं दूंगा सबसे पहले वेरिएबल का नाम जो मैंने दी थी नेम। ठीक है, नेम की जगह मैं यूजर नेम दे देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, यूजर नेम और कॉलन लगा के मैंने आगे क्या दे दिया नेम। अब आप कहोगे ये आगे नेम क्यों दिया, अब यहाँ नेम इसलिए दिया क्योंकि आप देख सकते हो जो विधान जोन सोफिया जो मेरे प्रिंट हो रहे हैं ना, ये मेरे इस नेम वेरिएबल से प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लूप चल रहा है ना इसमें नेम इन नेम्स, तो वो नेम्स वाली एरे से नेम प्रिंट हो रहे हैं और वो किस वेरिएबल के थ्रू हो रहे हैं, इस नेम। कि जब भी ये लूप चलेगा तो जो नेम होगा ना उसमें वो करंट क्या नाम है लड़की की या फिर लड़की का नाम होगा, जैसे विधान या जॉन का। ठीक है, सिमिलरली वो हर बटन को एक नाम आ जाएगा कि जब भी मैं उस पर क्लिक करूं तो वही नाम भेजे जो उस पर आया है। फॉर एग्जाम्पल लूप चला, पहले विधान का आया तो इस पहले वाले ट्रांसफर बटन का नाम विधान हो गया, दूसरे वाले का नाम जॉन हो गया, तीसरे का नाम सोफिया हो गया। ठीक है, मैं जब इसे यहां से भेजूंगा तो ये जाएगा तो वहां पर, अब जाएगा कैसे, यूआरएल के थ्रू। मैंने विधान पे क्लिक किया, मतलब ट्रांसफर पे, तो लिखा आ गया ऊपर यूजर नेम इक्वल टू विधान। बैक करके आया जॉन वाले पे क्लिक किया तो यूजर नेम इक्वल टू जॉन, सोफिया पे आया तो सोफिया आ गया। ठीक है, प्रीटी सिंपल। अब देखते हैं कॉन्टेक्ट वाले पेज पर इसको हम मतलब कैसे गेट कर पाएंगे। ठीक है, वहां से तो हमने भेज दिया, कॉन्टेक्ट वाले पेज पर भी तो हमें इसको फेच करके प्रिंट कराना है ना। ठीक है, अब मैं भाई सिंपल यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाले पेज पे आ गया, यूजर नेम विधान लिखे। ठीक है, सबसे पहले तो जो है नेवबार कॉम्पोनेंट हटा दिया मैंने, होम पेज पे जो रीडायरेक्ट करता है इसको रहने देते हैं, कोई सुनिए। ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज, अब मैंने यहाँ पे लिखा H1 के अंदर, ठीक है, वेलकम, और यहाँ पे मैं दे दूंगा वेलकम के अंदर यूजर नेम, क्योंकि ऊपर लिखा है ना यूजर नेम इक्वल टू विधान, तो मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर नेम वेलकम और यूजर नेम। ठीक है, अब
अभी तक तो देखो वो आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ उसका नाम दिया, फेच नहीं करा। फेच करने के लिए जहां पे आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हो ना, कंपोनेंट के बाद कॉमा जरूर लगाना। हर जो भी आप नई प्रॉपर्टी यूज करोगे उसमें आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अब हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो करेंगे क्रिएट, ठीक है, व्यूजेस के अंदर होती है, ठीक है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर लेती है। फिलहाल हम इसका यूज करेंगे अपने यूआरएल में जो भी डाटा है उसको फेच करके आप प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो व्यू जेएस में किसी भी डाटा में प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं दिस का, दिस, ठीक है। अगर दिस का यूज नहीं करोगे, सिंपल यहां पर लिख दोगे यूजर नेम, ठीक है, सिंपल आप यहां पर लिख दोगे यूजर नेम कॉलन, यूजर नेम इक्वल टू, सिंपल आप यहां पर लिख दोगे यूजर नेम इक्वल टू, और ऊपर से आपको फेच करना है तो दिस डॉट डॉलर राउट डॉट क्वेरी, ठीक है, डॉट और जहां पे से वो नाम लेते यूजर नेम, ठीक है। इंग्लिश में प्रिटी अंडरस्टैंड है दिस डॉट डॉलर रूट, ठीक है। तो ये जो हमारा रूट है ना स्लैश कॉन्टैक्ट, इसमें हम जब ऊपर यूजर नेम लाना डॉट क्वेरी डॉट यूजर नेम, ठीक है, क्वेरी के थ्रू डॉट यूजर नेम नाम के वेरिएबल को वो यहाँ पे ले आए और कहाँ प्रिंट करा दे यूजर नेम में, मतलब उसको ले आए। अब इसमें एक एरर हमको सिंपल मिल जाएगी, वो ये होगी कि यूजर नेम डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो डिफाइन करने के लिए अगर प्रीवियस वीडियो देखी है आपने तो हम उसको डिफाइन करते हैं डेटा के अंदर, ठीक है, लेकिन बिना डेटा के हम इस चीज को यूज कर सकते हैं जब हम लगा देंगे आपको दिस डॉट यूजर नेम, ठीक है। दिस डॉट यूजर नेम लगाने के बाद एरर देखो आनी नहीं चाहिए, सो एरर बिल्कुल भी कहीं नहीं है। एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, बस रिफ्रेश करते एरर चली गई, कोई एरर थी नहीं, वो वैसे ही आना, में सर्वर रिफ्रेश नहीं होता इसलिए आ जाती है। तो आती है वेलकम विद, अब होम पेज पे क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पे चला जाऊंगा। जॉन वाले ट्रांसफर पे क्लिक किया तो वेलकम जॉन, सोफिया वाले पे क्लिक किया तो वेलकम सोफिया, ठीक है। इट्स प्रीटी इजी, कैसे करना है वीडियो में ये मैंने आपको बताया। मिलते हैं आपसे व्यूजेस की नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट आए इस चीज में कमेंट डाउन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कम्युनिटी का लिंक है व्हाट्सएप पे उसकी ज्वाइन करो। कोई भी प्रोजेक्ट में इशू आता है वहां पर क्या नाम है अपनी एरर पोस्ट कर सकते हो, कोई भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।